जी नमस्कार, मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं अरविंद टाइम्स। अभी मौजूद हैं हम ललित नारायण तिरहुत महाविद्यालय के पास, आप देख सकते हैं, और अभ्यर्थियों का आना शुरू हो गया। सीटेट का आज मतलब द्वितीय भाषा कैसा रहा पेपर? अच्छा गया। पेपर कैसा था? बहुत अच्छा था। हार्ड तो नहीं रहा? ना, बहुत पढ़ने वाले बच्चे के लिए बहुत अच्छा था। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन था? अपने समय 1 से 5 वाले सिलेबस से था। 1 to 5 अभी 1 to 5 के एग्जाम देके आ रहे हैं। अरे उस बेसिक था। अच्छा, बेसिक क्वेश्चन सब था। बेसिक क्वेश्चन क्या था? 6 to 8 का एग्जाम था अभी। हाँ, 6 to 8 का था। लेकिन कैसा क्वेश्चन कैसा था? हार्डली था या पेपर इजी था? या मॉडरेट था? हार्डली ना, मतलब इजी था, नहीं भारी था, मतलब मॉडरेट था। क्वेश्चन का लेवल जो था ना, ज्यादा इजी था ना ज्यादा डिफिकल्ट था। अच्छा, जो नॉर्मल एकदम पेडागोगी से जो होता है वो 15 नंबर कॉम्प्रिहेंशन का एकदम सरल क्वेश्चन आसान था। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं था। क्वेश्चन था? हाँ, बिल्कुल ऐसा कभी नहीं लगा कि मतलब कुछ अलग क्वेश्चन पूछ दिया। सब प्रीवियस ईयर बेस्ड था और सब जो जनरल क्वेश्चन पे सब आधारित था। ऐसा नहीं लगा कि मतलब ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन पूछ रहा है या फिर प्रीवियस ईयर्स में ऐसा कहीं नहीं पूछा हुआ है। NCF शिक्षा पे नहीं पूछा है। NCF से नहीं पूछा? नहीं पूछा है कोई भी। और सोशल साइंस में आपका टोटली NCERT बेस्ड था। 2-4 था कि अपना माइंड से, लेकिन जो इतना क्वेश्चन था सब प्रीवियस ईयर, कोई हार्ड नहीं है। बिल्कुल नहीं, थोड़ा भी नहीं। मॉडरेट पेपर था। इजी टू मॉडरेट भी नहीं बोल सकते हैं, इजी टू लिटिल मॉडरेट, हार्ड मॉडरेट। हाँ, कैसा रहा पेपर? अच्छा था। पेपर कैसा गया है? बहुत अच्छा है। पहले से बहुत मतलब। पेडागोजी कैसा था? आसान था या भारी था? ठीक था। हाँ, बहुत अच्छा। भारी तो नहीं था? इससे पहले जो ज्योग्राफी में आया था वो बहुत हार्ड था। अच्छा, और उससे अच्छा इस बार बहुत बेटर गया। कैसा रहा पेपर? पेपर बहुत अच्छा रहा। बहुत बेटर। हिंदी का या थी गदांश कैसा था? नहीं, बहुत अच्छा था। हिंदी संस्कृत, आप हिंदी जो जो मैंने इसे लैंग्वेज था इसमें माली, अभी तो हिंदी नहीं हुआ है, इंग्लिश का और संस्कृत का हुआ है। अच्छा, तो इंग्लिश का जो लिया था वो इंग्लिश दिया है, संस्कृत जो लिया था। लैंग्वेज में कैसा था? लैंग्वेज अच्छा था, लेकिन कुछ उसमें डिफिकल्ट था। कुछ डिफिकल्ट? हाँ, हल्का फुल्का डिफिकल्ट था। पेपर मॉडरेट था या इजी? नहीं, इजी नहीं था। उतना इजी कहिएगा और उतना इजी कहिएगा तो उतना इजी नहीं था। नहीं। सर कैसा गया पेपर? अच्छा, ठीक। अच्छा था। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिला है? उसका तो सिलेबस फिक्स है ना। सिलेबस फिक्स है? हाँ, सिलेबस से आउट ऑफ नहीं था कोई? नहीं, लगभग 1-2 क्वेश्चन जो था जो डाउट क्वेश्चन था। अच्छा, यानी आंसर उसका जो लग रहा था कि ये भी सही है और ये भी सही है। अच्छा, और एक्चुअल में वो सही डाउट क्वेश्चन 2 क्वेश्चन था जो डाउटफुल था। क्या बहुत खुश है? हाँ, पेपर अच्छा गया, लेकिन संस्कृत के लिए थोड़ा मतलब अफसोस है, ज़्यादा अच्छा नहीं गया। संस्कृत डिफिकल्ट था क्या? हाँ, थोड़ा था, लंबा मतलब उसमें अच्छी था पैराग्राफ। संस्कृत इनका कैसा रहा पेपर? बहुत अच्छा था। अच्छा था। पेपर इजी था या मॉडरेट? इजी था। चलिए, कैसा गया? आदमी से हरा गए जेने। अरे खोजिए ना अपना आप जाके। कैसा गया? ठीक गया। पेपर कैसा था? तो लोगों से काहे आप साइड में खड़े? साइड में हम खड़ा नहीं थे, हम अपना एग्जाम के बारे में आपको बताना चाह रहे थे। अच्छा अच्छा, कैसा रहा पेपर? बहुत अच्छा गया है। अच्छा, और मैं पहले से भी सीटेट क्लियर था। अच्छा, और इस बार दोबारा प्रैक्टिस के लिए आया था, इसमें मेरा बहुत अच्छा गया है। लगता है कि 140 के आसपास आ ही जाएगा। 140 आ जाएगा? जी, मैं लगभग 8 साल से टीचिंग लाइन। नंबर दे दीजिएगा, इंटरव्यू आपका हम ही करेंगे। जी बिल्कुल, मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए। अच्छा, नंबर पब्लिश नहीं करेंगे। अच्छा, आपको मैं पर्सनल दे देता हूँ। ठीक है सर। तो आपने देख लिया और कैसा रहा एनालिसिस, पेपर कैसा गया? फिलहाल इतना ही दीजिए इजाज़त अगले वीडियो में अगले खबर के साथ। धन्यवाद।